आज पता है मैंने क्या गड़बड़ करी? मैंने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग मतलब मैं आगे से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने जहाँ अभी एडिट करके अपलोड करा है एक ब्लॉग, तो दूसरा ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा सारा ब्लॉग का शेड्यूल बिगड़ चुका है। तो इसको लाइन बनाने के लिए मुझे ब्लॉग अभी से शुरू करना पड़ रहा है। मम्मी रोहित वगैरह तो जा रहे हैं, आज तन्नू का बर्थडे है, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। मेरी वजह से किसी मतलब कहीं किसी और को भी कोई और बीमार हो जाए, इसलिए फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं बाद में जाके सेलिब्रेट कर लेंगे हम। तो मम्मी और चीना तो गए और रोहित भी अभी चला जाएगा थोड़ी देर में। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए और खाने में देखते हैं कि क्या बना है। खाने में बना है पनीर की सब्ज़ी जो कि थोड़ी सी बची है, मेरे लिए ही बची है। तो मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। भाई मतलब कोई कैसे इतनी देर तक पर्दे से लड़ सकता है? मैं बोर हो गई उसको देखते देखते, लेकिन ये खेल खेल के बोर नहीं हुआ। तो भाई रात के बज रहे हैं 1:15 और मम्मी और रोहित वगैरह अब जाके आए हैं। तो अब तो मैं जा रही हूँ सोने, दरवाजे खोलने थे, मतलब मैंने नहीं खोले, कुछ भी घर पे थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी मेरे को भी क्योंकि घर खाली खाली सा हो रहा था ना। तो अब सब आ चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ सोने और इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू करेंगे। तो कल मिलते हैं सुबह सुबह, गुड नाइट। आज का प्राणायाम एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट होता है, तो अब नाश्ता करना है। लेकिन नाश्ता मेरा नहीं बन रहा, बाकी के लिए बन रहा है ब्रेड पकौड़े। मतलब मैं दलिया खाऊंगी, मैं ब्रेड पकौड़े नहीं खाऊंगी। मम्मी मेरे लिए दलिया बनाएगी अलग से, देखा VIP ट्रीटमेंट है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने और नहा वा के फिर मिलती हूँ। और जोई ने मेरे मैट पर कब्जा कर लिया हमेशा की तरह, जो ये करती है। कोई हो गई क्लास ख़त्म, चलो। तो शाम की गुड मॉर्निंग सबको, और मैं आई हूँ थोड़ा सा बाहर नारियल पानी पीने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, तो नारियल पानी पीते हैं और फिर चलेंगे यहाँ से। तो घर पहुँच चुकी हूँ मैं, और आज पता है मैंने क्या गड़बड़ करी? मैंने जो तुंगनाथ में विनायक भी हमारे साथ गए थे, तो बहुत घर आए, हम बाहर भी गए थे, और मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। मतलब मैं हम बातें करने में पुरानी सारी इतनी ज़्यादा बिजी हो गई मैं, और जब वो निकल गए ना तब मेरे को याद आया शेड व्लॉग तो बनाया। तो कोई बात नहीं, वो वैसे भी किसी काम से आए थे। तो नेक्स्ट टाइम जब हम कहीं घूमने जाएंगे वैसे भी हमने प्लान करा हुआ कहीं पर, तो अभी जब जाएंगे ना तब व्लॉग बनाऊँगी मैं। और अब मैं कल से जिम जाने वाली हूँ, तो अब मेरे को आज जल्दी सोना है, खाना है जल्दी, तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी है, और कल मुझे जल्दी उठना भी है, तो इसलिए खाना खाती हूँ। और खाने में मम्मी ने वैसे तो हरहर की दाल बनाई है, तो देखते हैं क्या कुछ बनने भी जा रहा है, तो देखते हैं कि शायद कुछ अच्छा बन जाए। नो चेंज, हरहर की दाल ही बन रही है। मुझे लग रहा था कि शायद पनीर बन रहा है। किसको कौन बना रहा है पनीर? पनीर हमारे लिए बना रहे हो? नहीं, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं रुक जाऊँ फिर? ठीक है, तो पनीर की सब्जी भी बनी, टेस्ट यहाँ है। और इसको देख लो जोई, मम्मी अब इसने दूसरा डब्बा ढूंढ लिया, छोड़ दे, पकड़ियो मुझे, छीनियो इससे, तू ले, मैंने अभी हाथ हाथ धोए हैं।
खाना हो चुका है और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल से मुझे जिम जाना है और अभी तक देखो मतलब मेरी क्लासेस जब बंद हुई थी ना, एक हफ्ता हो गया मैं क्लास जिम नहीं गई हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था इस चीज़ का कि मेरे क्लाइंट्स चले जाएंगे और क्लाइंट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं रुकता। जिसको जहाँ जाना होता है अगर वो वर्कआउट नहीं करेगा इस जिम में तो दूसरे जिम में जाके करेगा, तो मेरे को ये था कि मेरे क्लाइंट्स चले जाएंगे। लेकिन कुछ क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से मेरे साथ है और उन्होंने क्लासेस संभाली, मतलब मेरी पूरे एक हफ्ते क्लासेस चली है मेरे बिना चली है, और मेरे क्लाइंट्स क्लासेस करा रहे थे, तो आई फील वेरी प्राउड कि मेरे इतने अच्छे क्लाइंट्स हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं मेरे बिना भी। और बस उन सबको थैंक यू बोलूँगी जो भी वैसे तो वो ब्लॉग बहुत रेयर देखते हैं, बाकी अगर देखेंगे तो उनको थैंक यू। और बाकी मैं इस ब्लॉग को अब एंड कर रही हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, देखते हैं, तो कल मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।